आप मुझे ईश्वर प्रसाद को नहीं, मेरे देश को धोखा देने के लिए कह रही हैं। ईश्वर प्रसाद एक चोर है। आपने अपनी कहानी को सच मान लिया है, इसलिए मेरी बात सुन नहीं रही है। बॉलीवुड में आने वाली मूवीज को देख के अभी ऐसे लगने लगा है कि बॉलीवुड में ओरिजिनल मूवीज का और ओरिजिनल कंटेंट वाली ओरिजिनल स्टोरी वाली मूवीज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। बॉलीवुड की मूवीज में से हर दूसरी मूवी को उठा के देख लीजिए, वो किसी फेमस पॉपुलर और सुपरहिट मूवी का रीमेक होता है। एंड इसी सबके बीच अमेजोन प्राइम वीडियो पर दुर्गामती मूवी का ट्रेलर आ चुका है। और मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये दुर्गामती जो मूवी है वो फेमस साउथ इंडियन मूवी भागमती का ऑफिशियल रीमेक है, जो की एक हॉरर एक्शन मूवी थी जो की 2018 में आई थी। 2 hours 22 minutes की ये मूवी बहुत ही कमाल की थी। और इसका ये रीमेक है वो करने की जरूरत क्यों बॉलीवुड को महसूस हुई, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भागमती ये साउथ इंडियन मूवी का ऑफिशियल हिंदी वर्जन यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलो ये चीज समझ में आती है कि कोई मूवी अगर कोई अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है वो हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है, हिंदी ऑडियंस उस मूवी को समझ ही नहीं पाएगी, तो किसी मूवी का रीमेक करना बनता है। लेकिन अगर भागमती मूवी का ऑफिशियल हिंदी डबिंग अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है और कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो किसी ऐसी मूवी को अलग स्टार्स लेके अलग एक्ट्रेस लेके उसका हिंदी रीमेक करना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर बात करें भागमती मूवी के, तो इसमें मेन कैरेक्टर जो प्ले किया है, जो कि चंचला का कैरेक्टर है, उसको अनुष्का शेट्टी ने बहुत बखूबी से प्ले किया है। एंड वही चंचला का कैरेक्टर दुर्गामती मूवी में भूमि पेडनेकर ने प्ले किया है। एंड आई डोंट नो मैं इस मूवी को दुर्गामती क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मूवी के मेकर्स भी अभी इस चीज में कंफ्यूज है। इस पोस्टर में देखिए आप, मूवी का जो नाम है वो दुर्गावती है एंड इस पोस्टर में देखिए मूवी का नाम दुर्गामती है। इस मूवी की स्टोरी तो पूरी कॉपी पेस्ट करके इन लोगों ने बना ली, लेकिन अगर इनका बस चलता तो मूवी का नाम भागमती भी रख देने के लिए पीछे नहीं करते। ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर 11 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, तो मूवी देखने के बाद ही आपको मैं ये चीज क्लियर कर पाऊंगा कि मूवी कैसी है और मूवी के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।